हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम ढोलक के ऊपर सबको नचाने वाली ताल सीखने वाले हैं। मतलब जो दोस्तों बहुत दिनों से परेशान है, ढोलक सीख नहीं पा रहे हैं, और वो लोग चाहते हैं कि कोई एक ऐसी ताल मिल जाए जिसको हम बजा दें। कोई गाने में खूब रस आ रहा है, अगर हम बजा दें तो लोग उस पर नाचने लग जाए। तो वैसी नाचने वाली ताल मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। खूब दमखम से बजने वाली है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप एक अच्छा ढोलक बजाना चाहते हैं तो आप लोग के पास एक अच्छा साज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरे पास एक ये ढोलक पड़ा हुआ है, अच्छे प्योर शीशम वुड का ढोलक है। तो अगर आप लोग के पास भी अगर इस टाइप की ढोलक होगी तो जब ढोलक बजेगी अच्छी, तब आप लोग अच्छा बजा पाएंगे। तो अगर किसी को भी ढोलक की रिक्वायरमेंट, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, लेसन पे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल ठेका है। करना क्या है आप लोग को, सिंपल सा है। पहली उंगली को किनारे पे मारिए, एक। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत लोगों का क्या होता नहीं, ये अगर ये उंगली आपको फास्ट करनी है, अगर इसके अंदर ताकत लानी है, तो क्या करना है, ये तीन उंगली जो है ना, ये तीन उंगलियों को ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। ऐसे पीछे से पकड़ लीजिए, इस उंगली को ऐसे ऐसे चलाइए, देखिए ऐसे ऐसे खूब चलाइए और आगे पीछे कीजिए, खूब चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाइए, आगे पीछे कीजिए, चारों तरफ घुमाइए। इससे क्या होगा, इसका जोर पता है पूरे हाथ में पड़ेगा, इसकी नसें खींचेंगे। जब तक इसकी नसें खींचेंगे नहीं, तब तक आपकी उंगली फ्री चलेगी नहीं। तो अच्छे से पीछे से पकड़ लीजिए और इसको ऐसे ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे खूब चलाइए। जब आप ऐसे ऐसे चलाएंगे, आगे पीछे अप डाउन आगे पीछे ऐसे ऐसे करेंगे, तो आपकी उंगली में ना खिंचाव महसूस होगा और यहाँ पे आप लोग का बहुत दर्द होगा। आप लोग करके अभी आप देखिए, फिर नसें खींचना स्टार्ट होती है। जब नस खिंच जाएगी, आप लोग की उंगली और फटाफट चलने लग जाएगी। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, लेसन पे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल ठेका है। करना क्या है आप लोग को, सिंपल सा है। पहली उंगली को किनारे पे मारिए, एक, फिर दो, फिर तीन। नीचे से मार लेंगे तीन, देखिए ऐसे तीन, फिर उसके बाद चार, पहली उंगली से पांच, फिर उसके बाद नीचे की तीन उंगली से छह। बस काम खत्म। ये छह मात्रा का बोल है, अच्छे से रियाज करना है। अच्छे से रट लीजिए इसको, पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन। मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन कर लोगे आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, एक, दो, तीन, फिर चार, पांच, छः, बस इतना सही है, ठीक है। अब आप लोगों को इसके साथ बेस जोड़ देंगे, तो आप लोग देखिए कितना सुंदर सा ठेका और बहुत जबरदस्त ठेका निकलने वाला, खुले हाथ से बजाने वाले। एक मतलब धा, पहली उंगली और बेस मारेंगे तो धा बनेगा। एक मतलब धा, दो मतलब ता, ती मतलब ती, धा ता ती, समझ गए। धा मतलब एक, ता मतलब दो, ती मतलब तीन, ठीक है। फिर उसके बाद धा मतलब चार, फिर धा मतलब पांच, ती मतलब छह। समझ में आ गया, मुझे पता लग रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आया। एक बार और ध्यान से देखेंगे। धा शुरू से है मतलब एक, ता मतलब दो, ती मतलब तीन, ठीक है। पहली लाइन क्लियर है। अब दूसरी लाइन, धा मतलब चार, फिर धा मतलब पांच, ती मतलब छह, क्लियर है। एक बार और देखेंगे, धा ता ती, धा धा ती। एक बार सामने से भी देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न है। देखिए, धा मतलब एक, ता मतलब दो, ती मतलब तीन, इतना पहला लाइन क्लियर है। देखिए, धा मतलब एक, ता मतलब दो, ती मतलब तीन, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद धा मतलब चार, फिर धा मतलब पांच, फिर उसके बाद ती मतलब छह। एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक पे, चार पे और पांच पे खाली बेस बज रहा है, ठीक है। एक जैसे एक, दो, तीन, फिर चार, पांच, छह, मैंने रियाज दिया था। तो इस छह गिनती के अंदर एक पे, चार पे, पांच पे बेस बजा दिया, आपका ठेका तैयार है, क्लियर है। देखिए, धा ता ती, धा धा छे। अब इसको धीरे धीरे फास्ट करेंगे, देखिए कितना जोर से बढ़िया है बजेगा। धा ता ती, धा धा ती, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे। सिंपल सी ताल थी। अगर आप इसको किसी भी कीर्तन भजन में बजाएंगे तो लोग नाच उठेंगे।
अगर फिर भी इस ठेके से नहीं नाच रहे हैं तो मैं एक आप लोग एक रामबाण उपाय और एक बहुत जबरदस्त ठेका देने वाला हूं। वो ठेका है क्या मैं सब में बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। चाटी साइड में क्या करना है, तीन उंगली को पकड़ना है और थपकी जोर से मारना है। थपकी बजाने का एक ही उपाय और एक ही राज है। पहला काम क्या करना है कि लोग जो बजा रहे हैं उनको देखिए, बहुत लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं लेकिन मेरा तरीका आप लोग देखिए, तरीका क्या है ये। और दूसरा तरीका, लास्ट तरीका, जितनी ताकत है शरीर के अंदर उतनी आप लगा दीजिए, थपकी के बाद बहुत जोरदार आएगी। ये आप लोग को हाथ ऐसा दिख रहा है लेकिन जब मैं मारता हूं थपकी तो ये हाथ जो है ना बहुत पीछे तक जाता है, देन ये हिट होता है। जब हम मारेंगे ऐसे मारते हैं ना तो एक्चुअली बहुत पीछे जाता है, ऐसे जाके लगता है, ये ऐसे होता है देखिए। और आप लोग क्या करते हो, ऐसे मारते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी थपकी नहीं बजेगी, ऐसे करके पीछे ले तक ले जाकर पट्ट से मारना हो गया थपकी। अब आ जाइए चाटी साइड में, कुछ नहीं करना है, एक थपकी है और एक पहली उंगली, बस ये पीछे चलता रहेगा, ये काम है। अब पूरा बोल सीखिए, पूरा बोल कैसे बजेगा, एक एक मारेंगे तो बेस बजेगा, एक मतलब गे, गे मतलब एक, दो मतलब ती, तीन मतलब ना, गे मतलब एक, ती मतलब दो, ना मतलब तीन। पहली लाइन कंप्लीट है, गे ती ना, गे ती ना, ठीक है, गे ती ना। इसका रियाज कीजिए अच्छे से, गे ती ना, गे ती ना, गे ती ना, गे ती ना, गे ती ना। पहली लाइन क्लियर। अब दूसरी लाइन पे ग मतलब चार, ग में यही बजेगा केवल, ग मतलब चार, फिर धी, धी मतलब थपकी और बेस एक साथ बजेगा मतलब पांच, धी, फिर उसके बाद ना मतलब छह, ठीक है। एक बार और ध्यान से देखिए, गे मतलब एक, ती मतलब दो, ना मतलब तीन, ग मतलब चार, धी मतलब पांच, ना मतलब छह, ठीक है। एक दो तीन चार वाले भी खुश और गे तीना ग धीना वाले भी खुश। अब देखिए कितना सुंदर लगेगा ठेका, एक दो तीन चार पांच छह, धीरे धीरे फास्ट करेंगे हम, गे ती ना ग धी ना, 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 गे ती ना ग धी ना। मैं पहले आप बजा के सुना देता हूं तब आप विश्वास करेंगे, देखिए कितना सुंदर ठेका लगेगा। जैसे जैसे नरे नरे नारे नरे नरे नारे नरे नरे नारे नरे नरे नारे, अब नरे नाना नरे नाना नारे नरे नाना नरे नाना। तो आप लोगों ने देखा कितना सुंदर ठेका है और कैसे इतना जबरदस्त थपकी की आवाज आएगी, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा ठेका था और बहुत अच्छा से आप लोगों को पसंद आया। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कोई अच्छा खाना खाते हैं तो क्या पूरी जीवन अच्छा खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते। किसी प्रोग्राम में हमेशा ही अच्छी ताले बजाओगे तो लोग बोर हो जाते हैं एक टाइम पे आके, तो आप लोगों के पास कोई एक ऐसा ताल होना चाहिए जो बीच बीच में लगातार चलता रहे, लोगों को नॉर्मल अच्छा लगता रहे और फिर जब पावर आए तो वहां पे थपकी आप लगा दी, ठीक है। तो एक नॉर्मल चलने वाली ताल में आप लोगों को सिखाता हूं, बड़ा ही सिंपल सा ठेका है वो, क्या करना है, नॉर्मल चलेगी। चाटी साइड में आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहली फिंगर को पकड़ना है और किनारे पे मारना है, एक, ठीक है, फिर दो, नीचे की तीन उंगली खाली टच करनी है, देखिए एक दो, फिर तीन पहली उंगली से कर लेंगे, देखिए एक दो तीन, फिर चार पांच छह, वैसे छह मात्रा का बोल है, देखिए एक दो तीन, ठीक है, फिर चार पांच छह। अब आप लोग को क्या करना, मैं आपको रामबाण उपाय बता रहा हूं, ये छह गिनती है ना, एक पे चार पे और पांच पे खुला बेस बजा दीजिए, आपका ठेका तैयार है, ठीक है। अपने आप करोगे तो गलती कर दोगे, मेरे साथ साथ आप लोग रियाज कीजिए, देखिए एक पे हमने बेस मार दिया, एक पे चार पे पांच पे, याद कर लीजिए, देखिए एक दो तीन, ठीक है, मतलब धा मतलब एक, ती मतलब दो, ता मतलब तीन, फिर दूसरी लाइन धा मतलब चार,
फिर धी मतलब पांच, चार और पांच में बेस बच गया, फिर ता मतलब छह। फिर से देखिए धा ती ता मतलब एक दो तीन, फिर धा धी ता, क्लियर है। अब इसको आराम आराम से एक बार इधर से भी देख लीजिए, देखिए धा मतलब एक, ती मतलब दो, ता मतलब तीन, ये तीन लाइन ऐसे बजेगी। फिर दूसरी लाइन धा मतलब चार, फिर धी मतलब पांच, फिर ता मतलब छह, क्लियर है। देखिए धा ती ता धा धी, ओके। अब इसको फास्ट करेंगे धीरे धीरे, धा ती ता धा धी ता, एक दो तीन ता पांच छह, धा ती ता धा धी ता, धा ती ता धा धी ता, धा ती ता धा धी ता, धा ती ता धा धी ता। अरे ना 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 रे ना 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 रे ना ना रे ना 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 रे। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा पैटर्न था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग को कैसी लगी।